चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राजपूत अपनी प्यारी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज स्वाद इंडिया की सीरीज की तीसरी पर्ची निकली है हमारे प्यारे यूपी की। फ्रेंड्स, यूपी में तो बहुत सी चीज फेमस है, हम भी यूपी के हैं तो इसलिए आज हम मेरी पसंद का बैगन का भरता बनाने जा रहे हैं। अब हमने बैगन को धो लिया है और इसको पोंछ के और इसमें चाकू की सहायता से इसमें कट लगा दिए हैं ताकि इसमें हम लहसुन की कलियां और इसमें हरी मिर्च लगा सकें। बैगन का भरता हम जो हमने चूल्हा बनाया था ना उसमें बनाएंगे। दोनों बैगन हमने ऐसे लगाकर इसको आग में अब रखते हैं भूनने के लिए और साथ में टमाटर को भी रखते हैं भूनने के लिए। अब इसमें टमाटर और लहसुन भी भूनते हैं। अब बैगन को बीच बीच में पलटते रहते हैं ताकि अच्छे से भून जाए। जब तक हमारे बैगन भून रहे हैं तब तक हम प्याज की तैयारी करते हैं। अब प्याज को अच्छे से धोकर बारीक बारीक काट लेते हैं। अब हमारे बैगन और टमाटर भून चुके हैं, अब इसको चूल्हे से निकाल लेते हैं। अब अपने चूल्हे पे मिट्टी का एक बर्तन रखते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं। जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है तब तक हम बैगन को अच्छे से उसका छिलका छील लेते हैं। अब हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम अदरक और लहसुन डाल देते हैं। अब इसमें मिलाते हैं कटी हुई प्याज। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से ब्राउन करते हैं। अब इसमें मिलाते हैं भुने हुए टमाटर और हरी मिर्च। अब इसमें मिलाते हैं हींग
एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अपने भुने हुए बैंगन को अब इसमें मिलाते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब हमारा बैंगन का भरता अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम मिलाते हैं हरी धनिया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा बैंगन का भरता अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा।